हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑल आर हैप्पी एंड फाइन। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज वर्क। आज हम हिंदी में क्या करेंगे? एक नया वर्क करेंगे, ठीक है? वो आपने आज तक अभी तो किया ही नहीं है, पहली बार करेंगे वो वर्क, ठीक है? ओड वर्ड आउट, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ओड वर्ड आउट। इंग्लिश में आपने किया है ये वर्क, जैसे अलग साउंड वाले शब्द को सर्कल लगाना, इसी तरह आज हम हिंदी में ये वाला वर्क करेंगे। जो शब्द अलग मात्रा का होगा उसको हमें सर्कल लगाना है, ठीक है? तो इसकी हेडिंग क्या लिखेंगे? भिन्न मात्रा वाले शब्द पर गोला लगाइए या गोला बनाइए, ठीक है? चलिए हेडिंग लिखें। भिन्न भिन्न मीन्स जो बाकियों से अलग है, मात्रा वाले शब्द पर गोला, गोला मीन्स सर्कल, ऐसे सर्कल लगाना है उसको, बनाइए, ठीक है? भिन्न मात्रा वाले शब्द पर हमें क्या लगाना है? सर्कल लगाना है। रेडी, स्टार्ट करें। ओके, चलिए नंबर एक पर लिखते हैं हम। पिता, सुन, धुन। तो इसमें सॉरी, ये सुन, सुन, ये धु न धुन, दोनों में एक जैसी मात्रा है, छोटा उ की मात्रा, और इसमें अलग मात्रा है ना, छोटी ई की मात्रा, तो इसको हम क्या लगा देंगे? सर्कल लगा देंगे। समझ में आ गया? ओके, चलिए नंबर टू। होता है किनारा, ठीक है? किनारा को बोलते हैं कूल, तट। तो इसमें बड़ा उ की मात्रा और यहां पर भी बड़ा उ की मात्रा, इसमें छोटी ई की मात्रा आ गई, इसलिए ये बाकियों से अलग है। अलग है तो इसको क्या लगा देंगे हम? सर्कल लगा देंगे, ठीक है? चलिए नंबर तीन। जेब, बु, जेब। से, बु, सेब। तो इसमें कौन सा अलग है? आटा, क्योंकि इनमें दोनों में तो एक ही मात्रा है और यहां पर आ की मात्रा है, इसलिए ये दोनों से भिन्न है। भिन्न मीन्स अलग है, तो इसको हम क्या कर देंगे? सर्कल लगा देंगे, ठीक है? नेक्स्ट नंबर चार। सोहन।
जोकर, ये स ओ की मात्रा, ये बड़ा उ की मात्रा और ये फिर से ओ की मात्रा, तो कौन सा अलग है? धूप, धूप अलग है, इसलिए हम धूप को क्या कर देंगे? सर्कल में बंद कर देंगे। ये सोहन और ये जोकर, ये दोनों एक जैसे हैं। नेक्स्ट है नंबर 5। नंबर 5 पे लिखेंगे हम मंगल। यहां पर लिखेंगे हम पैसा। पैसा मीन्स रुपए, पैसे, जो भी कैश होता है। यहां पर लिखेंगे नाइन। तो कौन सा अलग है? ये अंक की मात्रा, ये आई की मात्रा और ये भी आई की मात्रा, तो कौन सा अलग हुआ? मंगल। तो मंगल को क्या लगा देंगे हम? सर्कल लगा देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्क करेंगे। इंटरेस्टिंग है ना ये वाला वर्क? सबको मजे आ रहे हैं ना करने में? चलिए नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे और इसको लिखेंगे तो कौन सा अलग है बताइए? चलिए रीडिंग कीजिए। अंगूठी, दांत, कील, कौन सा अलग हुआ? की है ना। चलिए कील को हम क्या लगा देंगे? सर्कल लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट करेंगे अभी। कौन सा अलग हुआ हमारा? सीता, बीन, दोनों में बड़ी ई और ये है ताला। ताला में आ की मात्रा, तो कौन सा अलग हो गया? ताला। ताला को क्या कर देंगे? सर्कल कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। नंबर 8 पर का जल, काजल, तक्ष। आप ज बिल्कुल गंदा बनाते हो बेटा, ज लिखने की आप और प्रैक्टिस किया करो। ठीक है, बहुत गंदा सा ज बनाते हो, उसकी बार बार लिखकर प्रैक्टिस करोगे तो वो आपका सुंदर हो जाएगा। छा ता, छाता। तो ये क्या हो गया? आ की मात्रा काजल, आ की मात्रा इसमें छाता और ये हो गई बड़ी ई की मात्रा नील। नील या नीला एक जैसा ही होता है, तो इसको हम क्या लगा देंगे? सर्कल लगा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए। नंबर 9 पर ता,
हिरण, किताब छोटी की मात्रा, मोहन ओ की मात्रा, हिरण फिर से छोटी की मात्रा, तो ये दोनों क्या हो गए, एक जैसे, और ये हो गया अलग। तो मोहन पर क्या कर देंगे हम, सर्कल कर देंगे। ओके चलिए, नंबर 10। घन टी, मऊ स मू, मौसम मीन्स वेदर, जैसे आज बहुत ठंडा मौसम है तो सबको गर्मा गर्म पकौड़े खाने का मन कर रहा है ना। हाँ, जब ठंडा मौसम होता है तो कुछ गर्म खाने का मन करता है ना। मौसम, सऊ, दा, सौदा मीन्स सामान, ठीक है। तो ये अंक की मात्रा घंटी, मौसम अव की मात्रा, सऊदा फिर से अव की मात्रा, तो कौन सा अलग हुआ इनमें से, घंटी हमारा भिन्न है बाकी दो से, तो इसको हम क्या लगा देंगे, सर्कल लगा देंगे। ओके चलिए लास्ट लिखते हैं, बंदर, बंदर, नहीं, बंदर का फेस ब्राउन होता है, थोड़ा सा पिंक पिंक होता है, और लंगूर का फेस काला होता है, और लंगूर की पूंछ, उसकी टेल होती है ना, बहुत लंबी होती है, ठीक है। मई दा, तो ये क्या लिखा हमने, अंक की मात्रा में बंदर, अंक की मात्रा फिर से लिखी लंगूर, और ये लिखी आई की मात्रा मैदा, तो कौन सा भिन्न है, ये भी अंक की मात्रा, ये भी अंक की मात्रा, और इस पे आई की मात्रा, तो ये क्या हो गया, बाकियों से भिन्न हो गया, भिन्न मीन्स अलग हो गया, तो इसको हम सर्कल लगा देंगे, ठीक है। आज का वर्क सबको अच्छा लगा, डिफरेंट वर्क करने में मजे आए सबको। ओके तो ऐसे मैम अलग अलग वर्क कराती रहेंगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से अलग वर्क करेंगे। ओके सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे, जैसे अभी सर्दी बढ़ रही है ना, तो सबको पेरेंट्स का कहना मानना है, अच्छे से वूलन पहनने हैं और घर में ही रहकर अच्छे से अपनी पढ़ाई करनी है। ओके बाय बाय।